हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज का वीडियो डिस्कस करेंगे चिलर के बारे में कि चिलर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है एंड चिलर का यूज कहाँ करते हैं, क्यों यूज करते हैं चिलर का एंड चिलर कितने टाइप्स के होते हैं, चिलर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा एंड इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि एसी कैसे वर्क करता है, एसी की कैसे किसी रूम को कूल करता है, यानी कि एसी की वर्किंग को भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चिलर क्या होता है। ठीक है, पहले देखते हैं हम चिलर के बारे में। तो देखिएगा चिलर क्या है। तो चिलर बेसिकली एक डिवाइस है जो कि किसी लिक्विड के हीट को रिमूव करता है एंड ये जो चिलर होता है ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर वर्क करता है। ये जो चिलर होता है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर चिलर जो होता है ये वर्क करता है एंड ये देखेंगे कि ये जो चिलर होता है इसका यूज कहाँ करते हैं। तो देखिएगा जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज एंड रिफाइनरीज, ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे चिलर का यूज किया जाता है। तो चिलर का यूज इन सब इंडस्ट्रीज में क्यों किया जाता है वो हम समझते हैं। तो देखिएगा इसका यूज समझने से पहले आपको थोड़ा सा यूटिलिटी के बारे में समझना होगा कि यूटिलिटी क्या होती है। तो आप सुने ही होंगे, मतलब जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज या प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे यूटिलिटी के रूप में जानते होंगे कि आपका चिलिंग वाटर, कूलिंग वाटर, स्टीम, हॉट वाटर, थर्मिक फ्लूड यानी कि हॉट ऑयल एंड ब्राइन, ये सब चीज़ें यूज होती हैं, इंस्ट्रूमेंट एयर, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब ये कॉमन यूटिलिटीज हैं। ठीक है, अब इन यूटिलिटीज का रोल क्या होता है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिएगा ये जो यूटिलिटी होती है ना, इनका जो रोल होता है किसी प्रोसेस या किसी यूनिट ऑपरेशन में ये भाग नहीं लेती, बस उनको क्या करती है, उनमें जो एनर्जी चाहिए उनको प्रोवाइड कराती है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई रिएक्शन है जो कि 150 डिग्री सेल्सियस पे होना है, तो उस वो जो 150 डिग्री सेल्सियस वो कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हम स्टीम का यूज कर लेते हैं। मान लीजिए किसी रिएक्टर में रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्टर के जैकेट में हम स्टीम का यूज करते हैं जहाँ से हमें 150 डिग्री सेल्सियस मिल जाता है स्टीम का यूज करके। तो ऐसे ही आप कूलिंग वाटर को भी एज ए यूटिलिटी यूज करते हैं जहाँ पे हमें टेम्परेचर डाउन चाहिए होता है, ऐसे चिलिंग का भी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी रिएक्टर के जैकेट में हो गया, किसी कंडेंसर में, किसी हीट एक्सचेंजर में, मतलब जहाँ पे भी टेम्परेचर डाउन चाहिए होता है कूलिंग यूज कर लेते हैं, चिलिंग यूज करते हैं एंड ब्राइन यूज करते हैं जब माइनस में टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन ये एक सर्टेन अमाउंट, मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कूलिंग कहाँ तक यूज कर सकते हैं, जैसे जब हमें टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या 30-35, मतलब कूलिंग वाटर का जो जनरली टेम्परेचर होता है क्या होता है 30-35 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जहाँ हमें उतना टेम्परेचर चाहिए वहाँ तो हमें मिल जाता है कूलिंग वाटर से टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन कुछ जगह जैसे मान लीजिए कोई हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसको हमें 7-8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, तो वहाँ पे हम कूलिंग वाटर का तो यूज नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि कूलिंग वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो 30-35 डिग्री सेल्सियस जनरली होता है, तो इतना टेम्परेचर तो हमें नहीं मिल सकता है। या तो हम इस ब्राइन भी नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्राइन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो माइनस में होता है, जैसे -20, -30, -10, -40, ऐसे क्या होता है ब्राइन का टेम्परेचर होता है। तो जो हमें ये टेम्परेचर मिलेगा 7-8 डिग्री सेल्सियस वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो चिलिंग वाटर से। जनरली चिलिंग वाटर भी जो होता है नॉर्मल वाटर ही होता है, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या रहता है, डाउन रहता है। कितना डाउन रहता है तो वो समझ लीजिए, जो चिलिंग वाटर का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 5-15 डिग्री सेल्सियस लगभग रहता है। ठीक है, मतलब जो चिलिंग बिलो 15 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का मतलब कोई भी वाटर जो एज ए यूटिलिटी यूज हो रहा है केमिकल इंडस्ट्रीज या मतलब जो भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं एज ए यूटिलिटी के रूप में अगर यूज हो रहा है उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से बिलो है तो उसको हम चिलिंग वाटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चिलिंग वाटर। यानी कि चिलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस से बिलो, और जनरली आपको जो मिलता है 7-8 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 12 ऐसे मिलता है। ठीक है, तो जो उतना टेम्परेचर डाउन होता है वाटर का वो कैसे होता है, तो उसके लिए चिलर का यूज करते हैं। जो आप फिगर देख रहे हैं ये चिलर का फिगर है, ये एक्चुअल फिगर नहीं है, एक्चुअल फिगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन उस फिगर को मतलब इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम कुछ मतलब 2D डायमेंशन में यहाँ पे फिगर बनाए हुए हैं कुछ मेन कंपोनेंट्स को, जिससे आपको चिलर की वर्किंग समझ में आ सके। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फ्लोशीट बनाए हुए हैं और इसी फ्लोशीट से मैं आपको एसी का भी वर्किंग समझाऊंगा, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा, पहले आपको चिलर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया कि चिलर क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमें चिलिंग वाटर की आवश्यकता होती है और चिलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना रहता है, बिलो 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब वाटर का टेम्परेचर बिलो 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो उसके लिए हमें चिलर का यूज करना पड़ेगा, चिलर मशीन, चिलर सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, इसी से हम उस वाटर का टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं। जैसे आपको जब वाटर का टेम्परेचर 30-35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, कूलिंग वाटर का यूज मतलब कूलिंग टावर का यूज करते हैं, कूलिंग टावर से आपका वाटर का टेम्परेचर डाउन होता है, तो लेकिन उससे 30-35 या बहुत आएगा तो 25 डिग्री सेल्सियस तक आ पाएगा, लेकिन जब आउट डाउन चाहिए तो उसके लिए हम चिलर का यूज करते हैं। ठीक है,
इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि चिलर कितने टाइप्स के होते हैं। जो चिलर होते हैं ये मेनली टू टाइप्स के चिलर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला जो होता है वो आपका होता है वाटर कूल चिलर होता है। पहला जो होता है वो क्या होता है? वाटर कूल चिलर होता है। पहला वाटर कूल चिलर होता है। एंड सेकेंड नंबर पर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है एयर कूल चिलर होता है। एयर कूल चिलर होता है, ठीक है। अभी इन दोनों में आगे चल के डिफरेंस आपको मैं बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो वाटर कूल चिलर होता है ये जब लार्ज स्केल पर हम यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज में हम चिलर यूज करते हैं वो मोस्टली वाटर कूल चिलर ही होता है, क्योंकि लार्ज स्केल पर हम एयर कूल चिलर से काम नहीं चला सकते, उसके लिए वाटर कूल चिलर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये जो आपका फिगर दिख रहा है ये आपका वाटर कूल चिलर का ही फिगर है। एयर कूल चिलर जनरली आप एसी को बोल सकते हैं। एसी क्या है? इसका एक बहुत स्मॉल स्केल पे मतलब एयर कूल चिलर का एक एग्जांपल है, वो बोल सकते हैं। एचयू जहाँ पे रहता है उसके लिए भी आपका एयर कूल चिलर का यूज करते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये जो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको वाटर कूल चिलर के बारे में अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि चिलर कितने टाइप्स के होते हैं। अब देखते हैं कि चिलर के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो चिलर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर वो क्या है? कंप्रेसर है। पहले नंबर पे क्या है? कंप्रेसर है। एंड सेकंड नंबर पे क्या है? कंडेंसर है। एंड थर्ड नंबर पे क्या है? एक्सपेंशन वाल्व है। एंड फोर्थ नंबर पे जो है वो है क्या है? इवोपरेटर है। यानी कि चिलर के ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि चिलर में लगे रहते हैं। इसके अलावा बहुत से कंपोनेंट्स और भी होते हैं, लेकिन मैं इसकी वर्किंग समझाने के लिए इस चार से आप समझ सकते हैं। और जो अहम भूमिका जो निभाते हैं चिलर में वो ये चार ही इक्विपमेंट्स होते हैं जो इस चिलर में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज इसी को देखेंगे, इसके एक एक पार्ट को, कि एक एक पार्ट का पर्टिकुलर क्या काम है एंड इस साइकिल में कैसे वर्क करता है, उस चीज के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हम देखते हैं कंप्रेसर को। ये जो आप फिगर देख रहे हैं क्या है? कंप्रेसर का फिगर है, ठीक है। अब ये जो कंप्रेसर होता है ये भी मेनली फोर टाइप्स के कंप्रेसर होते हैं। कौन कौन से? आपका एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, स्क्रू कंप्रेसर होता है, एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, एंड स्क्रोल कंप्रेसर होता है। ये चार टाइप्स के कंप्रेसर मेनली चार टाइप्स के कंप्रेसर यूज मतलब होते हैं। तो यहाँ पे मतलब देखिए, चिलर में जनरली दो टाइप्स के कंप्रेसर का यूज करते हैं। एक आपका स्क्रू कंप्रेसर होता है एंड दूसरा आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है। अब इन दोनों कंप्रेसर का यूज क्यों करते हैं? देखिए, जहाँ हमें थोड़ा सा कम स्केल पे कूलिंग चिलिंग की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम स्क्रू कंप्रेसर का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें बहुत लार्ज स्केल पे कूलिंग चिलिंग की आवश्यकता होती है चिल्ड वाटर की, तो उस केस में हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का यूज करते हैं इस चिलर मशीन में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है उसकी जो इफिशियंसी होती है वो स्क्रू कंप्रेसर के कंपेरिजन में कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हम किसी भी टाइप्स का कंप्रेसर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक कंप्रेसर आपका रहेगा, ठीक है। ये आपका एक पार्ट है चिलर का। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल टाइप का एक कंप्रेसर है, ओके, इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा, अब इसके आगे आपका कंडेंसर है, ठीक है। अब इसके साथ साथ में इसकी वर्किंग भी बताते चलते हैं। तो देखिएगा, कंप्रेसर का वर्क क्या होता है वो भी समझ लीजिए। कंप्रेसर का वर्किंग ये होता है कि ये किसी गैस को क्या करता है? कंप्रेस करता है। और कंप्रेस करता है तो उसका प्रेशर इंक्रीज होता है। इसको समझ लीजिए कि आप इससे भी समझ सकते हैं। आइडियल गैस लॉ आप जानते होंगे, होता है आपका PV बराबर NRT। ये आपका आइडियल गैस लॉ होता है, ठीक है। इतना तो आप जानते ही होंगे। तो इसमें आप जानते हैं कि जो प्रेशर होता है, ये जो प्रेशर होता है वॉल्यूम के क्या होता है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि किसी चीज़ का अगर वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर उसका क्या होगा? बढ़ेगा। किसी चीज़ का वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। एंड लेकिन जो प्रेशर जब बढ़ेगा तो इसका जो प्रेशर जो होता है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जब किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो इस कंप्रेसर का काम यही होता है कि ये गैस को क्या करता है? कंप्रेस करता है। और कंप्रेस करता है तो उसका प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ता है तो साथ साथ में टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। अब इतना तो समझ गए कंप्रेसर क्या करता है? गैस को कंप्रेस करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो चिलर है, किस जो वाटर को चिल्ड कर रहा है, वाटर के टेम्परेचर को डाउन कर रहा है, वो कैसे कर रहा है? तो उसके लिए एक मीडिया है। मीडिया क्या है? आपका रेफ्रिजरेंट है। इसमें क्या करते हैं? हम एक रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं जो गैसियस फॉर्म में होता है। जैसे रेफ्रिजरेंट के बहुत सारे मतलब बहुत सारे रेफ्रिजरेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका R22 होता है, R134 होता है, ऐसे बहुत सारे रेफ्रिजरेंट होते हैं। लेकिन इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, चाहे जो भी रेफ्रिजरेंट होंगे उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन होती है, यानी कि माइनस में होती है, -10, -30, -40, -20, ऐसे इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो तो आप जनरली वैसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर गैसियस फॉर्म में है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है? माइनस में है, ठीक है। ये जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट होती है क्या? माइनस में होती है। एंड ये एक चीज़ और होना चाहिए, इको फ्रेंडली भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ रेफ्रिजरेंट बैन भी हो चुके हैं, ठीक है।
तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा डाउन होती है एंड इसमें हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में रेफ्रिजरेंट होते हैं जो कि इस चिलर में यूज किए जाते हैं, और यही रेफ्रिजरेंट जो होते हैं एक साइकिल में घूमते रहते हैं। इसी के थ्रू क्या होता है, आपका जो चिल्ड वाटर होता है उसका टेम्परेचर डाउन होता है। कैसे डाउन होता है उस चीज़ को हम इसमें समझेंगे, ठीक है, उस चीज़ को हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप कंप्रेसर समझ गए, कंप्रेसर में क्या होता है, आपका जो रेफ्रिजरेंट होगा वो रेफ्रिजरेंट क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेस होगा। रेफ्रिजरेंट क्या होगा, गैसियस फॉर्म में होगा और कंप्रेस होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस कंप्रेसर का भी फिगर आपको दिख रहा होगा और इस सारी चीज़ पूरे सिस्टम का भी फिगर दिख रहा होगा, बस वो फिगर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा क्योंकि यहाँ समझाने के लिए मैं ऐसे फिगर बना रखा हूँ, एक्चुअल में थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। बस उसके अलग अलग पार्ट को समझाने के लिए यहाँ पे हम दिखा दिए, एक साइकिल में दिखाएं। और हालांकि इस साइकिल को भी बोलते हैं क्या, वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि वेपर कंप्रेस हो रहा है, ठीक। तब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आपका रेफ्रिजरेंट था, इस कंप्रेसर में क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं। जब कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसकी वॉल्यूम तो घटती है लेकिन प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस कंप्रेसर में क्या हुआ, आपका जो रेफ्रिजरेंट था वो कंप्रेस हुआ, उसका प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया उसका, ठीक है। अब वो प्रेशर बढ़ा हुआ रेफ्रिजरेंट क्या होगा, इस कंडेंसर में जाएगा। प्रेशर भी बढ़ाया उस रेफ्रिजरेंट का, टेम्परेचर भी बढ़ाया, और वो कौन से फॉर्म है, यहाँ पे वो गैसियस फॉर्म में है। अब इस कंडेंसर में जाता है, अब इस कंडेंसर में क्या करते हैं, हम कूलिंग वाटर का सप्लाई देते हैं। कूलिंग वाटर सप्लाई है, कूलिंग वाटर रिटर्न है। ये कंडेंसर एक बेसिकली आपका सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। यहाँ पे कंडेंसर इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपका फेज चेंज हो रहा है। इस चीज़ को आप मैं बहुत से पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, हीट एक्सचेंजर वाले वीडियो में भी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडेंसर इसका नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है और ये बेसिकली एक सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। अब इसके सेल साइड में ये जो कंप्रेस गैस है, कंप्रेस गैस जिसका प्रेशर ज़्यादा है एंड टेम्परेचर भी ज़्यादा है, इस सेल साइड के टॉप से इंटर की, ठीक है। अब यहीं पे आप ये भी डिफरेंस समझ जाइएगा वाटर कूल चिलर एंड एयर कूल चिलर का, जो आपको मैं बताया था। अब यहाँ पे हम किससे इस गैस को ठंडा कर रहे हैं, जो ये जो रेफ्रिजरेंट था उस रेफ्रिजरेंट को टेम्परेचर को किससे डाउन कर रहे हैं, कूलिंग वाटर के थ्रू। कंडेंसर में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यूटिलिटी, कूलिंग वाटर। तो ये वाटर कूल चिलर है। अब यही जो होता है आपका एसी के केस में जो होता है, उस वहाँ पे कैसे डाउन करते हैं, तो देखेंगे आप, एसी जो रहता है, एसी जिस रूम में लगा रहता है उससे बाहर एक फ़ैन लगाया जाता है, उस फैन के थ्रू क्या होता है, वो जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कूल होता है एंड कंडेंस होता है। तो वो किस कैटेगरी में आता है, एयर कूल चिलर कहलाता है वो, ठीक है। तो कंडेंसर के जगह पे क्या लगा रहता है, वहाँ पे फैन लगा रहता है, वहाँ पे मतलब कूलिंग मीडिया एयर होती है, यहाँ पे कूलिंग मीडिया क्या है, कूलिंग वाटर है, ठीक है। आप देखिएगा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो चिलर प्लांट होता है, जो जहाँ पे भी चिलर मशीन रहेगी, चिलर मशीन रहती है, चिलर प्लांट जो होता है, वहाँ पे एक आप इसके लिए स्पेशल कूलिंग टावर लगा रहता है, ठीक है। उस स्पेशल कूलिंग टावर को क्यों लगाया जाता है, तो इस कंडेंसर में जो आपका चिलर आ रहा है ना, उसके टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, उसके हीट को एब्जॉर्व करने के लिए, उसको कंडेंस करने के लिए, ठीक है। तो वो जो कूलिंग टावर, मान लीजिए यहाँ पे कोई कूलिंग टावर था, यहाँ पे कूलिंग टावर था, जिससे थ्रू क्या हुआ, कूलिंग वाटर यहाँ पे आया, और इस कूलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना रहेगा, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। ये किस में इंटर कर रहा है, इस सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर के ट्यूब साइड में इंटर कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किस में जा रहा है, ये ट्यूब साइड में इंटर कर रहा है। ट्यूब साइड में क्या घूम रहा है, कूलिंग वाटर घूम रहा है, इधर से इंटर कर रहा है, इधर से आउटलेट हो जा रहा है। और इस कंडेंसर में क्या आ रहा है, सेल साइड में आपका रेफ्रिजरेंट आ रहा है, जो कि कंप्रेस है, प्रेशर उसका हाई है एंड टेम्परेचर भी हाई है, ठीक है। तो इसमें जब इंटर कर रहा है तो रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है कंपेरिजन टू कूलिंग वाटर, तो इस ट्यूब में कूलिंग वाटर घूम रहा है और इसका टेम्परेचर ज़्यादा, दोनों आपस में हीट एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट एक्सचेंज होंगे, जाहिर सी बात है, हीट ट्रांसफर होगा एक दूसरे का, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाएगा, ठीक है। तो इस गैस का जो टेम्परेचर होगा वो डाउन होगा, और जब ये टेम्परेचर अपना लूज करेगा तो क्या होगा, कंडेंस होगा, ठीक है। ये क्या होगा, कंडेंस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो गैसियस फॉर्म था इस कंडेंसर में आके ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, लेकिन प्रेशर बिल्डअप रहता है, यहाँ पे भी प्रेशर रहेगा लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और ये कंडेंस होकर ठंडा होता है, थोड़ा ठंडा कितना होगा, मान लीजिए कूलिंग वाटर आप 30 डिग्री सेल्सियस का डाल रहे हैं तो इसके आसपास में रहेगा, 28, 29, 30, 32 के करीब में आपका ये जो रेफ्रिजरेंट था वो ठंडा हो गया, ठीक है। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट क्या हो गया, आपका ठंडा हो गया, इतना यहाँ से जो निकल रहा है रेफ्रिजरेंट वो कौन से फॉर्म में निकल रहा है, लिक्विड फॉर्म में। यहाँ कंप्रेसर में कहाँ था, गैस फॉर्म में था, कंप्रेसर कंप्रेस किया, गैसियस फॉर्म में गया और इस कंडेंसर से लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है, लेकिन इसमें प्रेशर अभी भी बिल्डअप है, ठीक है।
अभी आएगा एक्सपेंशन वाल्व में। अब एक्सपेंशन वाल्व का काम क्या रहता है, एक्सपेंशन वाल्व में एक जगह ऐसा रहेगा एरिया थोड़ा कम रहेगा, उसके बाद एरिया बढ़ेगा, तो इसमें कैसा रहता है कि जो लिक्विड यहाँ से आएगा अचानक से उसका जो प्रेशर है वो अचानक से ड्रॉप होता है, मतलब अचानक से उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। तो जब किसी चीज़ का अचानक से प्रेशर रिड्यूस होगा तो उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ भी आप देख सकते हैं कि प्रेशर किसी चीज़ का रिड्यूस होगा तो टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा, क्योंकि प्रेशर जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो लिक्विड आ रहा है रेफ्रिजरेंट, इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, मतलब ये प्रेशर अचानक से यहाँ से एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू अचानक से इसका प्रेशर जब रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, और जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो लगभग यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में आ जाता है इसका टेम्परेचर, ठीक है। इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर माइनस में आ जाता है, और माइनस में आते ही इस ये क्या होता है, हल्का हल्का वेपोराइज होना चालू हो जाता है, हल्का हल्का थोड़ा यहाँ पे वेपोराइजेशन भी इसका चालू हो जाता है एक्सपेंशन वाल से निकलते टाइम, ठीक है। अब इस एक्सपेंशन वाल का दो काम रहता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो उस लिक्विड के प्रेशर को अचानक से ड्रॉप करना, और अचानक ड्रॉप होता है तो उसका टेम्परेचर डाउन होता है। दूसरा काम क्या रहता है, ये इस वी ऑपरेटर से जो आपका चिलिंग वाटर आउटलेट हो रहा है, मतलब जो चिलिंग वाटर हम यूज करेंगे प्लांट में, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस मतलब इस एक्सपेंशन वाल में एक टेम्परेचर सेंसर आपका कनेक्ट रहेगा, मतलब इससे अटैच रहता है, जो कि इसको सेंस करके बताएगा कि हमें कितना टेम्परेचर चाहिए, उसी हिसाब से ये मतलब डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट को ये पास करा है, मतलब रेफ्रिजरेंट ऑफ अमाउंट, मतलब जो रेफ्रिजरेंट है इस एक्सपेंशन वाल्व से वो उतना ही रेफ्रिजरेंट यहाँ से पास करेगा जितना हमें टेम्परेचर की डिजायर्ड है। जैसे मान लीजिए आपको 7-8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, 7 डिग्री सेल्सियस, तो 7 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए वो उतना ही यहाँ पे रिक्वायर्ड करेगा। जैसे मान लीजिए 10 चाहिए, सपोज दैट 10 चाहिए आपको, 10 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और अगर ज़्यादा रेफ्रिजरेंट आ रहा है तो आपका टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन होगा इस ऑपरेटर में, तो और ज़्यादा डाउन होगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये एक्सपेंशन वाल्व थोड़ा सा कम खुलेगा जिससे रेफ्रिजरेंट थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए कि यहाँ से एक्सपेंशन वाल्व से रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था उसका क्या किया, अचानक से प्रेशर ड्रॉप किया, और प्रेशर ड्रॉप हुआ तो उसका टेम्परेचर भी ड्रॉप हुआ, ठीक है। अब यहाँ से टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, हल्का इवोपरेट होना मतलब वेपराइज होना चालू किया, उसके बाद इस इवोपरेटर में आता है। अब ये जो इवोपरेटर होता है ना, ये भी एक सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर ही होता है, ठीक है, ये भी एक सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर ही होता है। इसके सेल साइड में जो होता है, ये जो आपका रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो इंटर करेगा बॉटम से, ठीक है। अब यहाँ से ये इंटर किया, तो जब इंटर करेगा और इसके ट्यूब साइड में क्या होता है, आपका चिलिंग वाटर सर्कुलेट होता है, कहाँ से होता है, अब उसको थोड़ा सा प्लांट का मैकेनिज्म यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर हम समझा रहा हूँ। अब जहाँ भी चिलर प्लांट होता है वहाँ पे देखे होंगे, एक आपका कोल्ड वेल होता है, एक हॉट वेल होता है, ठीक है, एक कोल्ड वेल और हॉट वेल। अब इसमें यह मत समझिएगा कि हॉट वेल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इस हॉट वेल में जो आपका वाटर रहेगा उसका टेम्परेचर इस कोल्ड वेल के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये प्लांट से रिटर्न होकर इसमें जो पानी आता है वही कलेक्ट रहता है, और जो प्लांट में हम सप्लाई देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी रिएक्टर में हमें चिलिंग मारना है, मतलब चिलिंग प्रोवाइड कराना है उसके जैकेट में, तो जो चिलिंग जब प्रोवाइड कराएंगे इस कोल्ड वेल में आपका चिलिंग वाटर स्टोर रहेगा, कहाँ से आएगा, ये ऑपरेटर के सेल्स ट्यूब साइड से सर्कुलेट होकर आ रहा है और इस कोल्ड वेल में कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर पंप लगा दिए हैं, पंप के थ्रू क्या होगा, ये प्लांट में जाएगा, प्लांट में जहाँ जहाँ घुमाना है आपको, एच ई में घुमाना है, कंडेंसर में घुमाना है, रिएक्टर के जैकेट में घुमाना है, जहाँ भी घुमाना है वो रिटर्न होकर फिर इस हॉट वेल में आएगा, और जब वहाँ पे जाएगा, जैसे मान लीजिए वहाँ पे हीट कुछ एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर कहाँ आएगा, इस हॉट वेल में आएगा, ठीक है। अब इस हॉट वेल से फिर से इस इवेपोरेटर के ट्यूब साइड में जाएगा, तो अब देखिए, अब इस इवेपोरेटर के ट्यूब साइड में जो हो रहा है, चिलिंग वाटर इसमें इंटर कर रहा है, हॉट वेल वाला अब इसमें इंटर कर रहा है, और यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है लिक्विड, यहाँ हल्का हल्का वेपराइज हो रहा है, वो इंटर कर रहा है ऑपरेटर में, तो इसका टेम्परेचर कितना है, माइनस में है, एंड जो ये हॉट वेल जो टेम्परेचर जा रहा है, इस हॉट वेल से जो लिक्विड जा रहा है, पानी जा रहा है, उसका टेम्परेचर रहेगा आपका, मान लीजिए जैसे 7-8 डिग्री का है, तो यहाँ पे आपका मान लीजिए 20-25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 20-25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपका इस हॉट वेल का टेम्परेचर रहेगा, इसमें जो वाटर रहेगा, तो मान लीजिए हम सपोज मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस या 25 मान लेते हैं या 20 मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे वाटर जा रहा है, तब यहाँ पे इंटर कर रहा 20 डिग्री सेल्सियस का इस इवोपरेटर के सेल्स ट्यूब साइड में, और सेल साइड में रेफ्रिजरेंट आ रहा है जिसका टेम्परेचर माइनस में है। अब ये दोनों क्या होंगे, आपस में इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आएंगे, क्योंकि बीच में क्या होगा, एक ट्यूब है, अब मेटल की ट्यूब होगी, इस ट्यूब में आपका वाटर इंटर करेगा और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट ट्रांसफर होगा, और ये जो रेफ्रिजरेंट है अपना हीट किसको दे देगा, इस वाटर को दे देगा, और वाटर क्या होगा, चिल्ड हो जाएगा, मतलब इसका टेम्परेचर आपका 7 डिग्री 8 डिग्री 10 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस आपका जितना चाहिए उतना आ जाएगा, और ये जो
रेफ्रिजरेंट था वो उसके हीट को एब्जॉर्ब किया, जो आपका 20 डिग्री सेल्सियस था उसके हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो इवोपरेट होगा, वो क्या होगा, इवोपरेट होगा और यहाँ से वो गैसियस फॉर्म में निकलेगा। यहाँ से क्या उनसे फॉर्म में निकलेगा, गैसियस फॉर्म में आउट होगा इस इवोपरेटर से। ये भी एक सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर है, बस यहाँ पे इवोपरेटर नाम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, किस रूप में यहाँ से वेपराइज फॉर्म में आ रहा है फिर यहाँ पे गैसियस फॉर्म में यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से गैसियस फॉर्म में रेफ्रिजरेंट निकल रहा है और ये जो कूलिंग वाटर था मतलब चिलिंग वाटर था ये इसमें ट्यूब में गया, ट्यूब से जब आउट होगा यहाँ से तो आपका चिलिंग वाटर मिलेगा जितना आपको डिजायर्ड है, उसको हम कोल्ड वाटर वेल में कलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप प्लांट में भेजेंगे, प्लांट से जो यूटिलिटी यूज हुई उसके बाद आई हॉट वेल में, हॉट वेल से फिर इस ऑपरेटर में, इसी ऑपरेटर से ये ठंडा होता रहेगा। ये ऐसे साइकिल मतलब ऐसे साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे साइकिल चलता रहेगा। अब यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट का साइकिल था वो कैसा था, एक्सपेंसर वाल से इधर आया, इवेपरेटर में गया, इवेपरेटर में फिर से गैसेस फॉर्म में आ गया, फिर गैसेस फॉर्म में कंप्रेसर में जाएगा, कंप्रेसर फिर उसको कंप्रेस करेगा, फिर वो कंडेंसर में जाएगा। अब ये कंप्रेसर कंप्रेस किया फिर गैस फॉर्म में क्या हुआ, कंडेंसर में गया, कंडेंसर में जाके फिर से ये कंडेंस होगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर एक्सपेंसर वाल से फिर निकलेगा, फिर यहाँ से हल्का वेपराइज होगा, फिर ऑपरेटर में आएगा, फिर गैस फॉर्म में होगा। ऐसे ये रेफ्रिजरेंट क्या होगा, घूमता रहेगा, इस रेफ्रिजरेंट इसमें घूमता रहेगा, इसके थ्रू आपका ये वाटर क्या होगा, चिल्ड होता रहेगा। तो इस तरह चिलर जो होता है, चिलर वर्क करता है, इस तरह चिलर किसी वाटर के टेम्परेचर को डाउन करता है। ठीक है, इस तरह चिलर की वर्किंग होती है। अब यहीं पर हम समझ लेते हैं एसी कैसे वर्क करता है। तो एसी के केस में क्या रहता है, कंप्रेसर वहाँ पर भी रहेगा लेकिन वो बहुत छोटे स्केल पे है तो बहुत छोटा सा कंप्रेसर रहेगा। रेफ्रिजरेंट उसमें भी यूज करेंगे, उसमें भी ऐसे ही साइकिल रहेगी, बस डिफरेंस क्या रहेगा, कंप्रेसर यहाँ पर रहेगा, कंडेंसर की जगह पे क्या रहेगा, वहाँ पे वाटर कूल कंडेंसर नहीं हो जाएगा, होगा वहाँ पे एयर कूल कंडेंसर होगा, जो कि बाहर फैन लगाते हैं ना वो एयर कूल कंडेंसर एक प्रकार से उसको हम बोल सकते हैं, जिसमें ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स में आपका रेफ्रिजरेंट घूमता है, एयर के कॉन्टैक्ट में आके वो कंडेंस होता है, कंडेंस होकर एक्सपेंशन वाल उसमें भी होता है, वो एक्सपेंशन वाल से आपका उसमें भी टेम्परेचर इंडिकेटर मतलब टेम्परेचर सेंसिबल डिवाइस लगा रहेगा, जो कि आप जो रिमोट से दबाते हैं ना, हमको 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए तो वो 16 डिग्री सेल्सियस का कमांड देगा, उसी हिसाब से ये यहाँ पे रेफ्रिजरेंट यहाँ से इंटर करेगा, उतना ही अमाउंट इंटर करेगा इवोपरेटर। इवोपरेटर क्या है, वहाँ पे एसी के केस में बता रहा हूँ, एसी के केस में इवोपरेटर जो है वो क्या है, आप जो एसी इंस्टॉल किए हैं जिससे हवा आपको मिलती है वो एक प्रकार की इवोपरेटर आप बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है, ट्यूब्स होती है, ट्यूब्स में आपका रेफ्रिजरेंट रहेगा और एक गोल सा फैन टाइप में रहेगा, गोल सा फैन रहता है जिससे आपका एयर निकलता है, तो उस जो कमरे का एयर है वो क्या होता है, इसके कॉन्टैक्ट में आके, ट्यूब के कॉन्टैक्ट में आके क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से उसमें भी वर्क करता है एसी में, बस उसमें डिफरेंस का यहाँ पे एयर कूल सिस्टम रहेगा, यहाँ ऑपरेटर के जगह पे आपका वो एयर का सिस्टम हो गया, मतलब आप रूम में लगा दिए, रूम ठंडा हो जा रहा है आपका। ठीक है, लेकिन सिस्टम यही है कि उसमें भी रेफ्रिजरेंट रहेगा, उसमें भी कंप्रेस होगा, उसमें भी एक्सपेंड होगा तो टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, उसी हिसाब से वो भी वर्क करता है। फिर इवेपरेटर जो आपका रूम है, रूम का जो गर्म हवा है, गर्म हवा जो उसके कॉन्टैक्ट में आएगी ट्यूब के, तो वो ट्यूब में फिर से जो रेफ्रिजरेंट था वो भी इवेपरेटर के फिर कंप्रेसर में गैसेस फॉर्म में ही जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही वर्क करता है। और आपका चिलर भी बता ही दिए कि चिलर कैसे वर्क करता है, उसमें भी कंप्रेस, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट रहेगा कंप्रेस करेगा, कंडेंसर में जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में आएगा और थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ डाउन होता है अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी, उसके बाद एक्सपेंशन वाल में आएगा, एक्सपेंशन वाल से जब वो निकलेगा तो अचानक उसका प्रेशर ड्रॉप होगा तो और ज़्यादा टेम्परेचर डाउन जाएगा, लगभग माइनस में चला जाएगा और हल्का ही वेपराइज होना चालू होगा, फिर वो इवेपरेटर में आएगा जिसमें आप मीडिया लगा सकते हैं, आप मतलब चिलिंग वाटर चाहिए तो चिलिंग वाटर यहाँ इसके ट्यूब साइड में घुमा दिए, जो आपका रेफ्रिजरेंट माइनस टेम्परेचर था वो हीट ट्रांसफर करके इस वाटर के टेम्परेचर को डाउन कर दिया और वो जो रेफ्रिजरेंट था फिर से इवेपरेट हो गया, गैसियस फॉर्म में हो गया, फिर कंप्रेसर में गया, फिर ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे तीन साइकिल चलती है, एक आपका चिलिंग वाटर का चलेगा साइकिल इवेपरेटर से, एक आपका कंडेंसर में कूलिंग वाटर का चलेगा कूलिंग टावर के थ्रू, ठीक है, और एक आपका रेफ्रिजरेंट का ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि चिलर कैसे वर्क करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।